पहला अवतार मत्स्यावतार का कथा बोलने वाला हूँ। एक राज्य पे एक राजा था। उस राजा का नाम था राजा मनु। एक दिन राजा मनु एक तालाब के पास नहा रहा था। तभी राजा मनु को एक छोटी सी मछली मिली। तभी राजा मनु ने सोचा उसे उठाकर फेंक देते हैं। तभी वो मछली बोलने के लिए शुरू हो गई, ओ राजा मनु मुझे मत फेंकिए। राजा मनु ने सोचा, अरे ये असंभव है, एक बोलने वाली मछली। तभी राजा मनु ने सोचा इसे अपने राज में ले जाता हूँ। राजा मनु ने राजमहल के अंदर ले आकर एक बड़े से डब्बे के अंदर पूरा पानी डालकर उस मछली को उस डब्बे के अंदर रख दिया। फिर थोड़े दिन बाद एक सेनापति ने राजा मनु को कहा, राजा जी आपने जो मछली ले आई थी तालाब से, वो मछली बहुत बड़ी हो गई है। राजा मनु ने सोचा, हैं ये तुम क्या कह रहे हो। फिर राजा ने उसे एक छोटी सी राजा के छोटी तालाब में डाल दिया उस मछली को। फिर 5 दिन बाद सेनापति फिर से आकर कहा, महाराज जी वो मछली तालाब से ही भी बड़ी हो गई है। तभी राजा मनु ने कहा, हैं ये असंभव है, बहुत दिन पहले वो मछली तो इतनी छोटी थी, फिर इतने दिन बाद ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। फिर राजा मनु ने उसे एक बड़ा सा समुंदर पे भेज दी अपने जहाज से। फिर डालने के बाद वो मछली बहुत जहाज से भी बड़ी हो गई। तभी राजा मनु ने भगवान विष्णु को कहा, हे भगवान जी ये कैसा संकट है, वो छोटी मछली इतनी बड़ी कैसे हो गई, मेरी जहाज से भी बड़ी। तभी वो मछली ऊपर आकर, उस मछली का शरीर भगवान विष्णु था। तभी राजा मनु और उसके सैनिक भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहा था, नमस्ते।